आप जस्ट ए फूड फॉर थॉट है ना, क्योंकि आप सारे लोग, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टे बैक इन ह्यूमन राइट्स, लेकिन एक चीज बताता हूँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना. आई फ्रॉम माई चाइल्डहुड हैव फॉलोड वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, है ना. मेरे लिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बचपन से ही मेरी फेवरेट टीम रहा करती थी, ठीक है ना. तो मैं जब छोटा था तो विवियन रिचर्ड्स और इस तरीके के बहुत सारे क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन थे जो कि, और उस जमाने में 75 और 79 वर्ल्ड कप भी अगर आपको याद हो तो वेस्ट इंडीज ने ही जीता था, 83 में इंडिया ने जीता था. तो 75 और 79 का पराक्रम देख के मैं, और ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेस्ट इंडीज बहुत लीडिंग क्रिकेट टीम थी, तो मैं वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करता था बहुत मजे से, है ना. और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज के क्रिकेट टीम्स को या फुटबॉल टीम्स को या और भी बहुत सारे देशों को फॉलो करते हैं. मुझे आज तक किसी ने कभी एंटी नेशनल नहीं कहा फॉर बीइंग सपोर्टिंग वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम. अच्छा, आज नहीं करता हूँ क्योंकि आज टीम अच्छी नहीं है, पर उस जमाने में करता था. लेकिन किसी ने मुझे नहीं कहा एंटी नेशनल. लेकिन अगर आप हमारे पड़ोसी देश को फॉलो करते हैं तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, है ना. और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सारी बच्चों को थोड़ा सोचिएगा, आप किस कॉन्टेक्स्ट में फॉलो करते हैं. सुनो तो मेरी बात, उनके क्रिकेट टीम को फॉलो करने पे भी हो जाते हो आप एंटी नेशनल. लेकिन बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ थोड़ा सा सोच के देखना कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. लोगों के बीच में इतना बैर या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है ना. और खाने पीने को लेके, उठने बैठने को लेके, बात करने के लहजे और तमीज को देख के आप वहां पे ज्यादा जो है मजे से रहते हो. इनफैक्ट सच्चाई ये है कि विदेशों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के साथ जो है रूम शेयर करते हैं. और मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि कोई और नहीं मिला है तेरे को, पाकिस्तान के ही बंदे के साथ रहना था रूम में. तो कहता यार साउथ इंडियन वालों के साथ पटती नहीं है, वो वैसी गाली नहीं बक पाते या ऐसा खाना नहीं खा पाते जो अपन लोग खाते हैं. तो नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बहुत एक दूसरे के कल्चरली क्लोज हैं, खाते पीते उठते बैठते बात तमीज तहजीब सब सेम ही तो है, गालियां भी सेम ही दे रहे होते हैं, लड़कों को और क्या ही चाहिए होता है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने के लिए है, मैं अभी जस्ट आपको ये इस पॉइंट के साथ छोड़ के जा रहा हूँ.